हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम आईफोन XR का कंप्लीट रिव्यू करने वाले हैं 17.4 के अपडेट में, वो भी एक हफ्ते के बाद इस अपडेट के रिलीज़ होने पर। तो गाइस, यहाँ पर इस डिवाइस को मुझे यूज़ करते हुए यहाँ पर 7 दिन हुए हैं इस 17.4 के नए अपडेट में। तो ये अपडेट कैसा परफॉर्म कर रहा है आईफोन XR के ऊपर, क्या आपको इस डिवाइस पे हीटिंग देखने को मिलेगी या नहीं, और साथ में परफॉर्मेंस कैसी काम कर रही है इस डिवाइस की, बैटरी हेल्थ और बैटरी बैकअप आपको कैसा देखने को मिलेगा अगर आप इस अपडेट को प्रेफर करते हो अपने इस डिवाइस के ऊपर। तो एक हफ्ते में काफ़ी कुछ मैंने नोटिस करा है, वो आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ एक रिव्यू के जरिए से। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की इस वीडियो को। सबसे पहले आप इस अपडेट का साइज़ देख सकते हो, जो मेरे को रिसीव हुआ था आईफोन XR पे 1.41 GB। इसमें एप्पल ने काफ़ी नए नए फीचर्स रिलीज़ करे थे। अगर आपको उन फीचर्स के बारे में नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, तो आप उनको वॉच कर सकते हो अगर आपको 17.4 के नए फीचर्स के बारे में जानना है। तो सबसे पहले इस डिवाइस की परफॉर्मेंस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इस डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज आप देख सकते हो इसमें आपको कोई भी लैगिंग और क्रैशिंग इशू देखने को नहीं मिलने वाला है। एप्लीकेशंस को ओपन करने की स्पीड भी काफ़ी बढ़िया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कोई भी आपको लैगिंग इश्यूज देखने को नहीं मिलते हैं, कि एप्लीकेशन फ्रीज हो जाती हैं ऐसा आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा। जैसे आप अपनी एप्लीकेशंस को ओपन करोगे वैसे ही आपकी एप्लीकेशंस ओपन हो जाती हैं इस अपडेट में भी। कोई भी एप्लीकेशंस को ओपन करने की स्पीड में कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी ड्रॉप नहीं है एप्लीकेशंस में। और साथ में सेकेंडली यहाँ पर बात करते हैं इस डिवाइस के नेटवर्क्स के बारे में, नेटवर्क्स कैसे काम कर रहे हैं इस डिवाइस के, आपको कोई इश्यूज तो नहीं आएंगे अगर आप इसको अपडेट करोगे, क्या कॉलिंग एक्सपीरियंस कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो करंटली मेरे डिवाइस में एक सिग्नल रिसीव हो रहा है, अभी 2 हो चुके हैं। कई बार मेरे को फुल सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं और कई बार मेरे को 2 या 3 सिग्नल्स देखने को मिलते रहते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन से एरिया में रहते हो, जो टावर है सिम कार्ड का वो कहाँ पर इंस्टॉल हो रखा है, आपके घर के आसपास है या कहीं आपसे काफ़ी दूर है या बेसमेंट में रहते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर मायने रखती हैं अगर आपको बढ़िया सिग्नल्स चाहिए अपने डिवाइस के ऊपर। और बात करते हैं वाईफाई से रिलेटेड कोई इश्यूज़ की, वाईफाई का कोई भी आपको इशू देखने को नहीं मिलेगा इस डिवाइस पे, क्योंकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ पूरा एक हफ्ते से वाईफाई को, तो यहाँ पर कोई भी आपको इसमें पुअर कनेक्शन का इशू देखने को नहीं मिलने वाला है और ऑटो डिसकनेक्टिंग का इशू भी नहीं देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर बात करते हैं इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ के बारे में, बैटरी हेल्थ ड्रॉप हुई है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हो 84% है करंटली इस डिवाइस की बैटरी हेल्थ, तो बैटरी हेल्थ जरा सी भी ड्रॉप नहीं हुई है। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस वॉच करी हैं तो आपको उनमें देखने को मिलेगा कि 84% ही थी पुराने वाले अपडेट में, तो इसके जो पुराने वाला अपडेट था उसमें 1% ड्रॉप हुई थी, पहले 85 थी, अब यहाँ पर ड्रॉप नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो बैटरी बैकअप है वो आपको आईफोन XR पे कम देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो डिवाइस है काफ़ी पुराना हो चुका है, 5 साल पुराना डिवाइस है ये एप्पल का, और आज तक भी ये डिवाइस में कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है कि ये आपको लैगिंग इशू प्रोवाइड करता है, ऐसा कोई भी नहीं है। बट जो बैटरी बैकअप है वो आपको कम देखने को मिलने वाला है एज़ कम्पेयर टू दी लेटेस्ट आईफोन मॉडल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कुछ एप्लीकेशंस मैं अपने डे टू डे रूटीन में यूज़ करता हूँ, VN वीडियो एडिटिंग के लिए, और साथ में कुछ वीडियोस को वॉच कर लिया, फ़ोटोज़ को एडिट किया और साथ में वीडियोस को शूट किया, और साथ में इंस्टाग्राम, बस यही कुछ यहाँ पर एप्लीकेशंस यूज़ होती हैं मेरे डिवाइस में। और कोई भी गेमिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन मैं यहाँ पर यूज़ नहीं करता हूँ अपने डिवाइस के ऊपर। और बात आती है हीटिंग की, हीटिंग आपको इस डिवाइस पर नहीं देखने को मिलेगी। आजकल तो यहाँ पर मौसम ठंडा ही रहता है, इतना गर्म नहीं है, बट फिर भी जब गर्मी आएंगी तब आपको इस डिवाइस पे हीटिंग देखने को मिलेगी अगर आप इसके ऊपर वीडियोस को एडिट करोगे गर्मियों के मौसम पे, या वीडियोस को डायरेक्ट सनलाइट में शूट करोगे उस टाइम के ऊपर। ये काफ़ी हीट करता है आईफोन XR, क्योंकि पिछले साल ही मैंने इसे गर्मियों में बाय किया था, तो गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है ये डिवाइस, वरना सर्दियों में ये काफ़ी परफेक्टली काम करता है। अब यहाँ पर बात आती है इस डिवाइस की ओवरऑल रिव्यू के बारे में, ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है इस डिवाइस का काफ़ी बढ़िया है, तो ये जो अपडेट है आपको ज़रूर इंस्टॉल करना चाहिए, क्योंकि ये कुछ नए नए फीचर्स लेकर आया है 17.4 का अपडेट आपके लिए, इसीलिए आपको ज़रूर इसे इंस्टॉल करना चाहिए। और कुछ सिक्योरिटी अपडेट्स भी एप्पल ने पुश करे हैं। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास भी आईफोन XR तो ज़रूर अपडेट करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।